अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, आज का नाश्ता का आइडिया ये था कि आलू के पराठे खाएंगे, मगर रात से यहाँ पे थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है और क्योंकि मैंने जरा थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पी ली थी रात में, तो फिर मुझे हो गया हल्का सा टेम्परेचर, तो उसको अब अवॉइड करने के लिए मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने बॉयल अंडा, दो टोस्ट, चाय और दो पैनाडोल ली है। तो अब आलू के पराठे हम लोग खा रहे हैं लंच में। सारी तैयारी कर ली है फातिमा ने और आज तो उसने ज्यादा एहतमाम किया, उसने कहा मैंने प्लेटों में निकाल के रखा है, पहले आप देखें कि इसकी मिक्सिंग कैसे होती है और फिर हम पराठे बनाएंगे। तो चलते हैं फातिमा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। बोलने पे तो पाबंदी नहीं है ना, बोलो तो सही। अच्छा, ये बन गए हमारे मैश किए हुए आलू। ये क्या हम तुक्के लगाएंगे बताओ? लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, जीरा। नमक किधर है? अच्छा हाँ ठीक है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और जीरा। थोड़ा सा ऊंचा बोलने बहन आप, ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े। और ये है हरा मसाला, धनिया, पुदीना, हरी प्याज। वेरी गुड, ठीक है। पंखे की फड़ 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 आ रही होगी। चलो बहरहाल हम मिक्स कर रहे हैं। Very nice. फातिमा कुकिंग चैनल भी शुरू कर लेते हैं। अब इस्लामाबाद से मैं कराची से। वर्चुअल काम करेंगे, कोई मसला ही नहीं, मगर फिर फायदा इसलिए नहीं क्योंकि मैं खाने के लिए नहीं होंगी ना यहाँ पे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम। अच्छा, तो हमारा अब बस मसाला तैयार? जी बिल्कुल तैयार। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा स्टेज होगा जब आप पराठा डालेंगे जी। राइट, ऑलराइट, थैंक यू। चटनी है किस चीज़ की? इमली है? इमली, वाह, जीरा, इमली जीरा, सिल पे पीसी है, कमाल है यार। फातिमा छा गई है भाई आप। और हमारा आलू का पराठा और आमना के हाथ की बहुत सारी चटनियाँ। ये हैं आलू भरे पराठे जो मुझे खाने थे नाश्ते में, मगर अब मैं खाने में खा रही हूँ। और ये इमली की चटनी है जो फातिमा सिल पे पीस के लाई है। मज़ेदार।